me Silipa. Welcome to another video of my channel. तो आज हम करने जा रहे हैं How well do you know me challenge featuring my Manush. तो मैं आपसे 15 क्वेश्चन हाय बोल दो पहले हाय तो मैं आपसे पहले 15 क्वेश्चंस पूछूंगी नॉर्मली एंड देन होगा एक टॉस राउंड जिसमें मैं दो ऑप्शंस दूंगी सपोज व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट ब्लैक ऑप्शंस में मैं जो चूज करूंगी सपोज मैंने व्हाइट और ब्लैक ऑप्शन दिया मैं चूज करूंगी ब्लैक ऑप्शन तो आप कहेंगे कि मैं कौन सा चूज करूंगी अगर इन दोनों में ऑप्शन आए सो लेट्स प्ले फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय फेवरेट मूवी हैरी पॉटर हाँ हैरी पॉटर में कौन सा हैरी पॉटर पार्ट 5 फर्स्ट क्वेश्चन सो सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट स्टोरी बुक ऑफ माय मेरा पहला स्टोरी बुक कौन सा था शायद हम सब कोई इंग्लिश बुक है जो हमने पढ़ के दिए थे वाओ किस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स था तो मैं थर्ड क्वेश्चन मेरे बेस्ट फ्रेंड जो स्वास्तिका है उससे मेरी पहले मुलाकात कब हुई थी स्कूल में अभी ऐसे डेट डेट मुझे याद नहीं फिर शायद थर्ड जनवरी जहाँ से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होता है हाँ क्या क्वेश्चंस का आंसर दे रही है तो व्हाट आई यूज्ड टू प्रेफर एज माय टिफिन इन चाइल्डहुड में मैं क्या रोटी आलू भाजा ये मैं बचपन में लिटरली मुझे कुछ ना दिया जाए ये होममेड फूड मुझे ये रोटी और आलू भुर्जी दिया जाए पूरा खा के आती थी आई डोंट नो मुझे रोटी आलू भुर्जी क्यों इतनी पसंद थी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो डेफिनेटली आएगा माय फेवरेट चिकन आइटम चिकन चाप ऑरेंज चिकन तंदूर मैंने दोनों लिखा था कि चलो कोई दोनों में से कोई आंसर दे देगा दोनों ही दे दिया नेक्स्ट मेरी ड्रीम कार पहले तो थर्ड था अभी जब दिन और आगे आएगा तो नया कोई मॉडल निकल आएगा एक्चुअली मेरा दो था मर्सिडीज या था तो दोनों में से जो भी हो जाए अगर मुझे बहुत इमरजेंसी आई कि नहीं भाई एक कार अभी खरीदना ही है तो मैं एक किया सोनेट खरीदूं तो मेरा फेवरेट फॉरेन सिंगर फॉरेन सिंगर ये मुझे पता नहीं तुम क्या इंग्लिश गाने सुनते हो मुझे मेरा दिमाग में भी नहीं घुसता है और मुझे याद भी नहीं रहता है तुम तो इंग्लिश गाने सुनते हो तो ये मुझे पता नहीं चाहिए तो टेलर स्विफ्ट तो मेरे ये तो मेरा नया चैनल है सिलीप मेरा जो फर्स्ट चैनल था उसका क्या नाम था फर्स्ट एकदम चैनल था जो जिसमें मेरा एक डांस वीडियो आया था मिसेस नेहा देवनाथ जिसमें मेरा एक बार श्रीखंड का भी एक वीडियो आया था बहुत पहले का बहुत छोटी थी एकदम मैं हाउ टॉल एम आई 5'4" चलो ये सबको पता है एक्चुअली माय लीस्ट फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर विंटर हाँ क्योंकि मेरा अभी मेरा हाथ भी फटा हुआ है मेरा हाथ फट जाता है पैर फट जाते हैं लिप्स फट जाते हैं सब ड्राई हो जाता है मुझे विंटर एकदम पसंद नहीं वैसे कंबल के नीचे तो मुझे समर ऑटम स्प्रिंग तीनों ही बहुत पसंद है पर विंटर मुझे एकदम भी पसंद नहीं अच्छा एक्चुअली तुम्हारा स्किन का जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा जेनेटिक है तुम्हारा दादी का भी है तुम्हारा दादा का भी है और तुम्हारा पापा खुद का भी है इसलिए तुम्हारा भी है नहीं मेरे नहीं है इसलिए तुम्हारा ये प्रॉब्लम आ गया क्या कर सकते हो अच्छा मेरा फेवरेट टीवी शो तो पहले तो सिंचन था नहीं कार्टून टीवी शो सीरियल वीरियल कोमला नहीं बंगाली था हिंदी वाला उसे वो तो मैं ऐसे ही देखती हूँ हिंदी टीवी सीरियल तुम तो टीवी देखते ही नहीं हो देखता था एक टाइम में मत बहुत नशा आया था मतलब उस सीरियल का हिंदी टीवी सीरियल बहुत देखता था मैं जब भी ओटीपी ओपन करता था वही हाँ मुझे याद है लेकिन नाम याद नहीं है बोल दो तो पहले का है तारक मेहता का उल्टा चश्मा
बहुत देखा करती थी मैं वो लॉकडाउन के टाइम पे. अच्छा मेरी टॉप थ्री विशेस. टॉप थ्री विशेस मेरी, तुम्हें फॉरेन जाना है, तुम्हें घर खरीदना है और बहुत सारा घूमना है. मैं घूमने में फॉरेन है. जॉब तो ऑब्वियसली करना है. जॉब क्या विश में. एक है खुद का एक कार खरीदना, फोर व्हीलर. ये बहुत शौक है. मेरा फर्स्ट फ्रेंड कौन था? फर्स्ट फ्रेंड जो नवोदय स्कूल में था तो रोहन दास. हाँ फर्स्ट फ्रेंड. और भी एक था लड़की, उसका नाम अभी याद नहीं. टोनी मादे. टोनी मादे. अच्छा द टॉपिक दैट आई एम फैसिनेटेड टू, बहुत पसंद है वो टॉपिक. झगड़ा करना नहीं, सब्जेक्ट्स में लाइक टॉपिक. सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मैथ साइंस नहीं, लाइक पार्टिकुलर एजुकेशनल टॉपिक. बहुत पसंद है मुझे. फॉलो द टॉपिक दैट आई एम फैसिनेटेड टू. फैसिनेटेड टू स्पेस साइंस. एक टाइम में बहुत इच्छा था मेरा स्पेस साइंटिस्ट होने का, निकल गया पूरी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स द टॉस राउंड. द फर्स्ट क्वेश्चन, बिरयानी और पिज्जा? पिज्जा. अरिजीत सिंह और अनुपम रॉय? अरिजीत सिंह अनुपम रॉय दोनों का गाना है हम सुनते हैं, लेकिन तुम तो ज्यादा पसंद इंग्लिश गाने करते नहीं हो. दोनों में दो, लेकिन इन दोनों में जब हम तुम्हें गाना चलाने के लिए बोलते हैं तो तुम फर्स्ट अरिजीत सिंह का ही चलाते हो. चिकन तंदूर और चिकन ड्रमस्टिक? चिकन तंदूर. हाफ बॉइल्ड एग और पोस्ट एग? हाफ बॉइल्ड एग. लिपस्टिक और फाउंडेशन? लिपस्टिक तुम ज्यादा देते नहीं है, फाउंडेशन शायद. फाउंडेशन ही मैं देती हूँ, मतलब एकदम लिपस्टिक मुझे एकदम पसंद नहीं है. मेरा वो टेस्ट वाला ही पसंद नहीं है मुझे. मैं अभी 7 में हूँ, पहले 6 में थी. तो मुझे कौन सा ज्यादा पसंद है, 7 भी और 6 भी? 6. बहुत अच्छा था वो वाला. 7 है ओके, बट 6 भी मतलब मोस्ट मेमोरेबल क्लास था मेरा. डॉग और कैट? कैट. हाँ मुझे कैट क्योंकि तुम्हें डॉग के साथ तो लड़ाई करना होता है इसलिए. तुम्हें वो पसंद नहीं करता है, तुम उसको पसंद नहीं करते है. मेरा कैट ही अच्छा है. अच्छा मोंटू और पोगो? पोगो नहीं, मोंटू ही होगा. लेकिन क्योंकि तुम डॉग तो पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उसके साथ तो हर दिन झमेला करते रहते हो. अच्छा पोगो और सोमी? सोमी तो तुम याद करते हो, लेकिन तब तो बहुत छोटी थी. अब पोगो के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हो, लेकिन तुम ज्यादातर सोमी की बात ही करती हो. सोमी लाइक मेरा फर्स्ट डॉग था, पेट डॉग था. मैंने उसे खुद लाइक सोमी नेम दिया था और बहुत मतलब बहुत प्यार करते. वो पोगो की तरह नहीं था, इतना चिल्लाता नहीं, नहीं था नहीं, वो बहुत अच्छा था वो. अच्छी थी. अच्छा अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माँ और बाबा? माँ, क्योंकि तुम्हारा बाबा का अभी डांटना अच्छी नहीं लगती तुम्हें. तुमको लगता है कि तुम्हारा पापा बहुत ज्यादा डांटते हैं और तुम्हें प्यार नहीं करते? एकदम भी नहीं, दोनों ही है. दोनों ही मेरे ऑप्शन है. अब आते हैं बोनस क्वेश्चन के टाइम. बोनस क्वेश्चन है ये, वन थिंग आई एम अनलकी ऑफ. मतलब मैं इस चीज में बहुत अनलकी हूँ, मेरा ये लक ही बहुत खराब है. ये मुझे खुद भी नहीं पता इसलिए तुम्हें पूछ रही हूँ. लक तो कभी खराब नहीं मुझे नहीं दिखी. ऐसी तो कोई बात ही नहीं जो मुझे दिखे, लेकिन ऐसा हो सकता है तुम कुछ मुझे बोलती नहीं हो इसमें तुम्हें लगता है तुम्हारा लाख खराब है. सब बोलती हूँ. तुम चाहती हो और कुछ नहीं मिलता है तुम्हें, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं है. एक्चुअली मैं अनलकी हूँ टॉक्सिक फ्रेंड्स. ओह इतनी ज्यादा सोची भी नहीं. ये तो है, बाप रे बाप.
मतलब मुझे मुझे पता है इसलिए कि मैं तुम्हें इसलिए बोलती हूँ, मुझे फ्रेंड मत बनाओ, एक ही बनाओ तो अच्छी बनाओ। ज्यादा फ्रेंड टॉक्सिक ही होगा, जब भी तुम सामने आ जाओगे तो तुम्हें पीछे ही खींचेगा। ये दुनिया ही ऐसी है, जो तुम आगे जाओगे तो पीछे ही खींचेगा सब, तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त निकल के आएगा। तुम्हारा तो लक इसमें फ्रेंड में इतना खराब है, जब तुम कहीं कुछ भी नहीं बोलते हो तो तुम वहाँ पे तुम्हारा अगर हो, तुम्हारा प्रेजेंट है तो तुम बस उस झमेला में बस आती हूँ, मैं बस जाती हूँ। अब मैं जब मैं पहले बहुत फ्रेंड्स थे, मतलब मैं जब क्लास सिक्स में थी बहुत फ्रेंड्स, अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ क्लास सेवन में जब मुझे मैच्योर हुआ, मुझे सब फंसा लिया, सब कुछ हो गया, मैं घूम के जब देखती हूँ फ्रेंड बोल के स्वास्तिका ही मन में आती है मेरी। तब तो तुम्हें मैंने बोली दी थी जे इतना ज्यादा फ्रेंड मत बनाओ, इसके साथ बात करो, फ्रेंड है, एक साथ में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा बात भी मत करो। देखो तुम ज्यादातर दुनिया नहीं देखे हो तो इसलिए तुम्हें इंसान का परखना भी नहीं आता, कि इसलिए मैं तुम्हें पहले भी बोलती थी अभी बोलती हूँ कि फ्रेंड बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाओ। सबको अपना दिल के बाद सबको खुलकर मत बताओ। वही लोग तुम्हें जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होगा, भाई कोई इशूज आएगा तो तुम्हें ही उस बात को लेकर टोकेगा। तो इसलिए फ्रेंड टॉक्सिक फ्रेंड से तो बहुत बहुत दूर रहो। अब जब पीछे घूम के देखती हूँ मेरा वैसे कोई फ्रेंड नहीं है, एक था, एक है स्वास्तिका और है कुछ फ्रेंड सर्कल में जब जो मुझे लिटरली यूट्यूब में बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने एक बार दिया भी था कम्युनिटी पोस्ट में उन लोगों का नेम, लाइक दे आर डेफिनेटली वेरी गुड फ्रेंड्स, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। पर एक टाइम में जब सबसे क्लोज फ्रेंड मैंने एक ग्रुप को समझा था, तुम समझे थे लेकिन वो तो समझ नहीं रहे थे ना, उन्हें तुम समझ रहे थे जो वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो तो तुम अगर पीछे मुड़ कर देखो तो वो तुम्हारे पीछे ही बोलता है तो अभी भी कैसा, कोई फ्रेंड नहीं, वो लोग तो कभी भी तुम्हारे दोस्त आ ही नहीं। दोस्ती ऐसे नहीं होते। स्कूल का जो फ्रेंड है अभी तुम जिसके साथ साथ बात कर रहे हो वो भी तुम्हारा फ्रेंड है, बस इससे ज्यादा फ्रेंड मत बनाओ। ठीक है, जीवन में अकेले भी चलना होता है, ये फ्रेंड आप तो 10-12 तक ही रहेगी, उसके बाद फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो जाएगी, तुम भी चेंज हो जाओगे, तो मत बनाओ इतना ज्यादा फ्रेंड। मतलब एक टाइम में मुझे फ्रेंडशिप स्किल्स बहुत अच्छी आती थी, सब मेरे फ्रेंड्स थे, सब कुछ था। अब मैं जब देखती हूँ मेरा फ्रेंडशिप, मतलब मुझे ना फ्रेंडशिप करने से घृण आ गई है कि मुझे नहीं करना यार इससे दोस्ती, लाइक मेरे इन चक्करों में मेरे ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए। मतलब कुछ मुझे किसी से दोस्ती करनी ही नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पर मेरी पापा के एक दोस्त आए थे, उनकी बेटी आई थी, जस्ट मुझे मैं उनसे मिली, मतलब वो मेरे से बात करना चाहती है, मैं कॉम्प्लीटली देख सकती हूँ, बट मुझे नहीं यार, मतलब मेरा फ्रेंडशिप स्किल सब मर ही गया, मुझे आता ही नहीं अब दोस्ती करना। मैं भी देख रही हूँ, और वो उसके बाद वो कुछ घटनाओं के बाद मुझे भी लगता है कि दोस्ती सोच समझ के करना चाहिए, और इसके लिए तुम्हारे लाइफ में इतना प्रभाव पड़ा, तब एजुकेशन में भी पड़ा, तुम्हारे अपनी लाइफ स्टाइल में भी पड़ा, तुम टेंशन में रहते तो हम भी टेंशन में रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो मुझे और दोबारा नहीं चाहिए वो सब इश्यूज, और नहीं चाहिए मुझे। वो बहुत तरीके से होता है, तब भी मैं तुम्हें बोला था इतना विश्वास मत करो, इतना बात मत बोलो, फ्रेंड बनकर ये जो तुम कैजुअल बात कर रहे हो वो भी तुम्हें किसी में इसको ये वो भी बोलते हैं, लेकिन जब तुम्हारे बारे में कुछ बोलते हैं तो वो अपने खुद का नाम नहीं लेती है, तुम्हारा नाम ही लेती है, जो वो बोल रहा है वो बोल रही है। तो ऐसा फ्रेंड्स 200-300 हाथ दूर रहो। So that's it for today guys, last में conversation बहुत serious में चला गया था, चलो ठीक है, मतलब होता है यार। So that's it for today, अगर वीडियो पसंद आया तो please लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो,
आज माता श्री की दौलत से फाइनली वो वीडियो बनाने मेरे चैनल पे पधारी है। उनका भी एक चैनल है शुद्ध पर बंगाली है ना, जहाँ पर वो बंगाली फूड आइटम्स डालती है। मतलब मैं कितने दिन से कह रही थी आ जाओ माँ, नहीं इन्हें तो आता आना ही नहीं, इनको आता ही नहीं है। ऐसा बात नहीं है, हम टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसीलिए तभी वक्त है तो बातचीत हो गई है। ये अभी बाहर जाएंगी और मैं पढ़ने बैठूंगी। लुकिंग सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके, बाय बाय।